जैसे ही हम लो रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएंगे, जैसे ही लाइफ थोड़ी और नॉर्मलाइज होगी स्टेप वाइज, अगर हम ये इन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं अपनाएंगे तो फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वायरस का स्प्रेड प्रमोट होगा, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन आगे आएंगी, बढ़ेंगी, फ्लरिश होंगी और नुकसान होगा। तो फिर बार बार कहने की ज़रूरत पड़ रही है और इसलिए माफ़ भी करिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि चौकसी रहे, लापरवाही ना हो, और जो हमने इंडिविजुअली करना है वो अप्रोप्रिएट हो, और जब हमने समूह या समाज की तरह करना है, फैमिली की तरह करना है, कम्युनिटी की तरह करना है, उसमें भी हमारी बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेवारी की झलक होनी चाहिए। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, भीड़ नहीं करनी है, पार्टियों का टाइम अभी नहीं आया है, इसी प्रकार अगर आप बंद माहौल में हैं, लोग हैं आपके सामने, तब भी मास्क पहनिए, बाहर भी मास्क पहनिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेके आगे बढ़ना होगा। और इसी प्रकार राज्यों में भी एट द गवर्नेंस लेवल, पेंडेमिक कंट्रोल लेवल, अब हमें मौका है कि कुछ हम स्टेप्स लें। जैसे कि इट विल बी नाइस टू नाउ डू जीरो सर्वेस। नेशनल जीरो सर्वे की पूरी तैयारी हो गई है और इसी महीने में नेशनल जीरो सर्वे जो ICMR करते आए हैं वो अपने नेक्स्ट जीरो सर्वे का काम शुरू करेंगे, और वो बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती। उससे हमें ये पता चलेगा कि भारत में ओवरऑल इस संक्रमण की जो इंटेंसिटी है, इन्वॉल्वमेंट है, इफ़ेक्ट है, वो कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन एक चीज़ सामने आई है कि अगर हमने इस पेंडेमिक को बड़े स्वरूप में ना आए, हमारी जियोग्राफीज प्रोटेक्टेड रहें, तो हमें एक नेशनल सीरो सर्वे पे ही डिपेंड होकर नहीं करना होगा, हमें राज्यों को भी सीरो सर्वेस करने के लिए उत्साहित करना होगा। ये वक्त है उस काम को करने का, और सर्वेलेंस जो है वो हर जियोग्राफी में हो, क्योंकि फैसले जो हैं वो स्टेट एंड सब स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। इन चीज़ों के उसी पे ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, उसी जहां हुआ है वो हॉटस्पॉट उतना ही क्लोज करेंगे, नैरो करेंगे, कंटेन करेंगे, जैसे बार बार कहते हैं, तो वो आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही छोटे 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 जगह पे हॉटस्पॉट्स हों तो हम बाकी जो बड़ा समूह है वो बच जाता है, इसका हमें ख्याल करना होगा। तो आज ये रिफ्लेक्शन ये है कि सोचा जाए कि आगे ना हो, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है, दूसरा है कि जो चीज़ें हमें इन चीज़ों को गाइड करती हैं आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि सीरो सर्वे का मैंने आज जिक्र किया स्पेसिफिकली, ऐसी चीज़ों को, ऐसे काम को हम स्टेज पे करें, और अगली स्टेज में आते आते जो तैयारियाँ हम जितना कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। इसी प्रकार जो सर्वेलेंस का है, डेटा एकत्रित करना है, म्यूटेशंस पे नज़र रखनी है, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, उसको कोरिलेट करना है क्लिनिकल डेटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, एपिडेमिक के बिहेवियर के साथ, उसके डायनामिक्स के साथ, इससे साथ साथ ग्लोबली नज़र रखनी है कि ये सब वेरिएंट्स का पैटर्न क्या इमर्ज हो रहा है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, अपनी हमारी साइंस जो है वो इमर्ज होनी चाहिए। वैक्सीन की तरफ आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है, 25 करोड़ का आंकड़ा एक दो दिन में पूरे होने की पूरी उम्मीद है, और इसके बाद में जैसे अभी आप भी महसूस कर रहे होंगे, पिछले महीने की तुलना में इस महीने उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी और भी आगे होगी, और जो नई व्यवस्था के अधीन जो सेंटर और स्टेट का जो तालमेल है वो और भी बढ़ेगा, प्रोक्योरमेंट और आसान होगी, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरफ हमारा काम और तेज़ गति पकड़ेगा। लेकिन एक बात हम फिर कहना चाहेंगे कि जिनको एक डोज़ मिली है वो प्लीज़ दूसरी डोज लीजिए, थोड़ा एफर्ट करिए। ये ठीक नहीं है कि इवन हेल्थ वर्कर्स ने, बहुत सारों ने सेकेंड डोज नहीं ली है, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ली है और बुज़ुर्गों ने नहीं ली है, तो ये जैसे भी उपलब्धता बढ़ी है ये काम थोड़ा आसान हो रहा है,
तो इसको अपनी जिम्मेवारी से भी थोड़ा एफर्ट करिए ताकि हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हों और आगे जैसे जैसे काम खुलता है, काम करने की मौके मिलते हैं और नॉर्मलाइज करने की तरफ जाएंगे तो हम सबका ये कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। तो एक ये काम है। दूसरा, जैसे पहले भी मैंने कहा, 45 के ऊपर का जो ग्रुप है उसको हम चाहेंगे कि और भी आगे आके वैक्सीन को अपनाएं, और हमें अब ये एक नैरेटिव पैदा करना है, हमें ये सबको एक बज़ पैदा करनी है देश में कि वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है, वैक्सीन में जैसे जैसे मिलेगा हर डोज को हमने इस्तेमाल करना है, उसकी डोज की वेस्टेज का कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी एक वैक्सीन की फैसिलिटी बनेगी, सेंटर्स बनेंगे, वहाँ जितना वैक्सीन जाता है वो यूज़ होना चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी को पीछे हटाना है, ये हमने आपस में अपने आप को समझाना है, बाकियों को समझाना है, इन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का और इन चीज़ों के लिए इस तरह की तैयारी करने का वक्त आ गया है, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि बड़े तौर पे वैक्सीन हो, बड़े स्केल पे हो, उसके लिए जो सुझाव आ रहे हैं जो मीडिया में और भी आ सकते हैं, उनको हम बहुत विनम्रता से उसको हम वेलकम करेंगे।